यूएई में 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर सभी देशों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जहां भारत भी अपना पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। लेकिन इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले ही बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष रमीज राजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फंडिंग को लेकर बोर्ड मेंबर से बातें कर रहे हैं, जिसमें वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 50% हिस्सा सिर्फ ICC के फंड से आता है और ICC का 90% फंड भारत से मिलता है। अगर इंडिया अपनी फंडिंग रोक देता है तो PCB कोलैप्स कर जाएगा, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। और ICC फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो ICC की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। जिसके बाद बोर्ड अध्यक्ष रमीज राजा ने ICC की फंडिंग पर निर्भरता कम करने को लेकर बातें कही। आपको बता दें कि भी हाल ही में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड्स ने भी अपना पाकिस्तान दौरा सुरक्षा कारणों के चलते रद्द कर दिया था, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। तो वहीं इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष रमीज राजा ने आगे कहा कि पाकिस्तान के एक इन्वेस्टर ने हमें वादा किया है कि अगर पाकिस्तान की टीम भारत को T20 वर्ल्ड कप में पहली बार हरा देती है तो वह इन्वेस्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैंक चेक देगा, जिसमें वह अपनी मनचाही रकम भर सकते हैं। गौरतलब है कि अभी तक T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें 5 बार आपस में भिड़ चुकी हैं, जिसमें से 5 बार ही भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, जिसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पैसों का लालच देकर मैच जीतने की पाकिस्तान बोर्ड की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।